आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। बाइक सवार बदमाशों ने बालक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। धौलपुर जिले के सरमथरा थाना इलाके के NH-11B पर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने एक 17 वर्षीय बालक को गोली मार दी, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण एवं परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं युवक की मौत को लेकर आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने लामबंद होकर नेशनल हाईवे संख्या 11B पर युवक के शव को रखकर जाम लगा दिया है। सरमथरा पुलिस उपाधीक्षक प्रवेंद्र महला ने बताया कि सरमथरा थाना क्षेत्र के सुनकई गांव निवासी अमन पुत्र रमेश मीणा की सुबह करीब 10 बजे कुमारपुरा निवासी आरोपी सुरजीत और ऋषि ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर NH-11B पर जाम लगा दिया। मौके पर सरमथरा थाना पुलिस सहित अन्य पुलिस जाब्ता ने पहुंचकर जाम को खुलवाया और आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी है। जाम लगने के बाद वाहन हाईवे पर फंसे रहे और यात्री परेशान हुए। जानकारी के अनुसार मृतक के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसके पास परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी थी। मृतक किसान परिवार से है, जिसकी आर्थिक स्थिति सामान्य से भी कमजोर है। आज सुबह 10:30 बजे के बीच सुनकई गांव में NH-11B पर रेलवे पटरियों के पास में अमन मीणा उम्र 16-17 वर्ष निवासी सुनकई की जो जहां पे जानकारी मिली है उसके अनुसार ऋषि और सुरजीत नाम के दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और देसी कट्टे से फायर किया, उस पर हेड फायर लगा जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। अभी ग्रामीणों ने NH-11B जाम कर रखा है और अभी मौके पर मैं थाने की पुलिस और बाकी स्टेट कंट्रोल रूम, रेंज कंट्रोल रूम, जिला कंट्रोल रूम सबको सूचित कर दिया गया है। मुलजिमों की लोकेशन जो आ रही है उसके हिसाब से उनकी तलाश जारी है। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत, आपने यह चीख सुनी? नहीं सुनी तो अब सुन लो। धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक सुना रहा है आपको करुणा भरी माँ की ममता की चीख। ये चीख है उस माँ की जिसने 9 माह तक अपने बेटे को अपनी कोख में रखा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन करके उसे बड़ा किया। लेकिन आज सरमथरा इलाके में आपकी खराब कानून व्यवस्था के चलते बदमाशों ने उसे अवैध देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह चीख है उस माँ की जिसने अपना सुहाग उजड़ने के बाद इसी बेटे पर गुरूर किया था और यही परिवार का लालन पालन कर रहा था। यह चीख है उस माँ की ममता की जिसने अपने इसी बेटे से बुढ़ापे के सहारे की तमाम उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन आपकी खराब कानून व्यवस्था ने एक माँ के सभी सपने चकनाचूर कर दिए। SP केसर सिंह, यह कोई पहली चीख नहीं है। धौलपुर जिले की खराब होती कानून व्यवस्था के कारण माँ, बहन, बेटी, भाई, पिता व पत्नियों की ऐसी चीखें जिले में रोज सुनने को मिल रही हैं। ठीक 2 दिन पहले इसी तरह की चीखें राजाखेड़ा थाना इलाके के बसई घियाराम गांव में सुनने को मिली थी। 2 दिन पहले ही मरैना गांव में ऐसी ही चीख उस समय सुनने को मिली थी जब बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी युवती के पेट में गोली मार दी थी। आश्चर्य की बात यह है कि आप और आपकी पुलिस रोज डांग इलाके में कॉम्बिंग कर रही है, कॉम्बिंग के मीडिया में फोटो छपवा रही है और उसके बाद भी बदमाश जिले में है। आखिर यह कैसी कॉम्बिंग है? ऐसे में दो ही बातें हैं,
या तो कॉम्बिंग फोटो छपवाने तक सीमित है या फिर अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। गत दिनों बदमाशों ने हेड कांस्टेबल अशोक सिंह राजावत को भी गोली मारी थी। उससे पहले मुठभेड़ में एक सिपाही के पेट में गोली लगी थी। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है, जिले में जंगल राज जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आखिर पुलिस अधिकारियों को चिंतन करना होगा और जिस उद्देश्य ये वर्दी पहनी है, कंधे पर स्टार लगाए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना होगा। पिछले कुछ दिनों में जिले में पुलिस स्लोगन ठीक उल्टा नजर आ रहा है। अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो फिर ऐसी पुलिस, पुलिसिंग और कॉम्बिंग से क्या फायदा है? कलेक्टर व एसपी ने किया नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण। सभापति पद के लिए यही होगा मतदान। 20 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद धौलपुर के सभापति पद को लेकर जहां बीजेपी प्रत्याशी सोनम गर्ग और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह में मुकाबला कांटे का बना हुआ है, वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी इस मतदान के दौरान किसी प्रकार की कमी छोड़ना नहीं चाहता है, जिसको लेकर आज शाम को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत ने सभापति पद के लिए बने मतदान केंद्र नगर परिषद का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के समय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त को मतदान केंद्र के आसपास बैरिकेड लगाने के साथ साथ सभी बंदोबस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि नगर परिषद के आसपास पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद रहेगा और सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो उसको लेकर पुलिस के अधिकारी स्वयं भी मॉनिटरिंग करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता शनिवार को पहुंचेंगे धौलपुर। रविवार को निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के मतदान में निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एवं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर शनिवार को धौलपुर पहुंचेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सत्तारूढ़ी कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरह पुलिस व प्रशासन का दुरुपयोग कर पार्षदों को डराने, धमकाने व धनबल का प्रयोग करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए एवं स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर पत्रकारों के सामने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली का खुलासा कर प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग को लेकर विस्तार से हर पहलू को रखा जाएगा। जिलाध्यक्ष वर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय प्रशासन के दुरुपयोग पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा डराने व धमकाने की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक प्रदेश व केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र भेजकर चुनाव पर्यवेक्षक भेजने की मांग की गई है। धौलपुर में दो कोठियों की लड़ाई थी, एक कोठी के बंधु हमारे साथ आ गए, दूसरी कोठी की अभी अकड़ नहीं गई है, पर अब इस अध्यक्ष चुनाव में विधानसभा या धौलपुर के नगर परिषद चुनाव में यह अकड़ निश्चित खत्म हो जाएगी। खुद की हिम्मत नहीं हुई कैंडिडेट खड़ा करने की, तो आप एक निर्दलीय, एक अर्धदलीय, एक पद्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कुछ शर्म करो कांग्रेसियों, कुछ डूब मरो। बिल्कुल निश्चित है, मैं धौलपुर नगर परिषद का प्रभारी होने के नाते से बहुत सख्त और सीधे अंदाज में आम जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और भारी उम्मीदवारों को जतवाया, और जो निर्दलीय भी जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे। इस नाते से अध्यक्ष का चुनाव निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बोर्ड हमारा बनेगा, और बोर्ड कम बहुमत से नहीं, भारी बहुमत से बनेगा। यह मेरा विश्वास, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश जिले के महामंत्री और हमारे पदाधिकारी और हमारे विधायक श्रीमती शोभा रानी और भारी प्रयास कर रहे ये टीम, उनके साथ में श्री उपेंद्र जी कुशवाहा जो एमएलए साहब के हमारे माननीय विधायक शोभा रानी जी के देवर हैं, ये सारी टीम जिलाध्यक्ष सरवण जी और हमारे
सत्येंद्र पारक जिला महामंत्री श्री सुखराम कोहली और श्री कमल पहाड़िया सहित पूरी टीम जोर लगा रही है। हमारा बोर्ड बनेगा, निश्चित बनेगा। इसी विश्वास के साथ में मैं धौलपुर की जनता, धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल, होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स, यहां ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम, फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध, अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414-23-84-12। धौलपुर में ही खरीदे पीटर इंग्लैंड, लिवाइस सहित अन्य नामी कंपनियों के सुंदर एवं ब्रांडेड कपड़े। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट, टाई, स्वेटर एवं बच्चों के सभी तरह के कपड़े मिलते हैं। सर्दी के लिए गर्म कपड़ों का भी स्पेशल कलेक्शन। उचित कीमत में खरीदें एक से बढ़कर एक सुंदर शर्ट। हम देते हैं कंपनी की गारंटी, कपड़ों की कीमत की गारंटी और कपड़ा पसंद आने की गारंटी। एक बार देखने जरूर पधारें। टी स्क्वायर शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। नव विवाहिता हुई दहेज प्रताड़ना का शिकार, ससुराली जनों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। सैपो थाना क्षेत्र के सहरौली गांव में एक नवविवाहिता बेटी दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई है। दहेज लोभी ससुराली जनों के द्वारा बेटी को प्रताड़ित करते हुए उसके साथ मारपीट की गई है। जब बेटी ने अपने माँ बाप को अपनी बेकदरी की पीड़ा सुनाई तो परिजन बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां बेटी के ससुराली जनों से बातचीत की। जब बात नहीं बनी तो वह बेटी को अपने साथ लेकर उसकी ससुराल से घर चल दिए। लेकिन ससुराली जनों का दुस्साहस थमा नहीं और उन्होंने लड़की को लेकर जा रहे लोगों की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया तथा रास्ते में रोक कर लड़की के भाई व अन्य परिजनों के साथ मारपीट कर दी, जिससे लड़की सहित तो उसके भाई व अन्य परिजन घायल हुए हैं। पीड़ित लोगों ने सैपो पुलिस थाने में पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को लेकर बेटी के ससुराली जनों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक सहरौली गांव का यह पूरा मामला है। करीब 6 माह पूर्व मध्य प्रदेश के गोठ रानपुर गांव से बेटी शिवानी की शादी होकर तमाम खुशियों के साथ सहरौली निवासी ओमबीर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर आई थी, लेकिन शादी के इस सफर में दहेज का रोड़ा आड़े आ गया। बेटी शिवानी का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराली जनों के द्वारा दहेज की मांग करते हुए आए दिन उसको प्रताड़ित किया जाता रहा। बीते दिन उसके साथ मारपीट की गई। पूरे घटनाक्रम को लेकर एएसआई सुरेश सिंह ने बताया कि शिवानी की ओर से ससुराली जनों के खिलाफ शिकायत दी गई है, जिसको लेकर पुलिस ने ससुराली जनों के द्वारा की गई मारपीट में घायल बेटी तथा उसके भाई एवं एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसके चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया गया है तथा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 महीने पहले शादी हुई सहरौली गाँव में, तो दहेज के लिए क्या नाम, हमने सब कुछ लिया। अब क्या नाम, दहेज के लिए मारपीट करते हैं, करते रहे। हमने क्या नाम, इन्हें बताया कि मारपीट की है। हम आ गए तो यहाँ से वहाँ पहुँचे। उधर से हम बहन को लेकर आ रहे थे, उधर से क्या नाम, सब लोगों ने घेर के मारपीट की हमारी। हाँ, क्या घटना हुई है? घटना हुआ 6 महीना हुआ है शादी होकर, और फिर शुरू से मारपीट की है और दर्ज में दर्ज मांगते हैं और सब कुछ दे दिए। बाइक बाइक मांगते हैं, अंगूठी, पिस्लर ये मांगते हैं, सब कुछ दे दिया मेरे घर वालों। वो कहते हैं, फिर भी कहते दे ले, वो लेकर आओ, लेकर आओ, मैं राशन लेकर आऊँ। मारपीट की है ये। मेरे घर वाले गए थे, घर वाले ने मेरे को मारे, मैंने बुलाए थे, मेरे घर वाले का हाथ उठाया, मेरी भी पहले तान की थी, मेरे को भी मारा, मेरे जेठ ने मारा, सब मतलब सब जेठों ने मारा, मेरे जानी ने मारा, मेरे को घर भैया को मारा, मेरे छोटे भैया को मारा और मेरे मतलब चाचा को मारा, सब लोगों को मारा मेरे। अब आपने कोई शिकायत दी है? हाँ। शिवानी द्वारा
दहेज का मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टेड फीडर की बिजली शनिवार को 2 घंटे बंद रहेगी। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 19 दिसंबर शनिवार को 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर के 33 केवी कलेक्टेड फीडर की बिजली 19 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कारण कलेक्टेड फीडर से जुड़ी आसपास की कॉलोनियों की बिजली ही बंद रहेगी। अतिक्रमण हटाने में नगर परिषद प्रशासन और पुलिस को करना पड़ा विरोध का सामना। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आज कोतवाली पुलिस के सहयोग से शहर के जगदीश टॉकीज के पास सरकारी और निजी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान नगर परिषद दस्ता और पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण करने का आरोपी परिवार जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के आगे आ गए और उन्होंने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया, जिस पर पुलिस ने मुश्किल से उन्हें जेसीबी और ट्रैक्टर के आगे से हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान संदिग्ध परिस्थिति में झोपड़ी में भी आग लग गई। अतिक्रमण करने वाले लोगों का आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा झोपड़ी में आग लगाई गई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि हमारे द्वारा आग नहीं लगाई गई। खुद अतिक्रमण करने वाले लोगों ने प्रेशर बनाने के लिए और आरोप लगाने की नीयत से अपने आप झोपड़ी में आग लगा ली है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध में एक युवती द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की अफवाह फैल गई, जिस पर जिला अस्पताल धौलपुर से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मौके पर विषाक्त पदार्थ खाने का कोई मरीज नहीं मिला। इसके बाद एम्बुलेंस खाली जिला अस्पताल लौट गई। नगर परिषद द्वारा आज जगदीश टॉकीज के पास ब्रज एनक्लेव योजना में रास्ते की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन और पुलिस जाब्ता दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की। इसी ब्रज एनक्लेव में नगर परिषद के पार्क एवं पब्लिक यूटिलिटी की भी जमीन थी, उसे भी आज अतिक्रमण मुक्त कराया। इस प्रकार करोड़ों की बेशकीमती जमीन को आज नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया। आगे भी यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बसैनवा पुलिस चौकी पर हुई सीएलजी बैठक। बसैनवा पुलिस चौकी पर थानाधिकारी भंवर सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सर्वप्रथम थानाधिकारी भंवर सिंह के द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से सजग करते हुए मास्क का प्रयोग करने के लिए आह्वान किया गया। बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों के स्थानीय पुलिस की आमजन के प्रति कुशल व्यवहार और कार्यशैली की सराहना की, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र के लोगों के द्वारा पुलिस का सहयोग करते हुए आत्मबल बढ़ाया जाता है, उससे कार्य करने की क्षमता और अधिक हो जाती है। कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र के लोग समय के रहते आपराधिक गतिविधियों की सूचना दें, जिससे कि अपराधियों पर समय के रहते शिकंजा कसा जा सके। वहीं थानाधिकारी ने व्यापारियों से अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया, जिससे कि बाजार में कोई भी आपराधिक घटना घटित होती हो तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जल्दी ही अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगी। बैठक के दौरान मौजूद लोगों ने बाजार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेतरतीब ढंग से खड़े दोपहिया वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। बैठक में कोलारी थानाधिकारी भंवर सिंह सहित चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, सीएलजी सदस्य व प्रमुख दुग्ध व्यवसायी गोपाल प्रसाद शर्मा, नीलू राजेंद्र सिंह, अतर सिंह समाजसेवी, गोपाल गुदेनिया, बसई नवाब सरपंच बंटी सोनी, नंदपुरा सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत, मालौनी पवार सरपंच प्रतिनिधि महेश परमार, भगवती त्यागी, हरिओम कुशवाहा, नेकराम, महेश त्यागी, वीरन शर्मा, हरीश कुशवाहा, रामबाबू मुखिया, जब्बू सेठ आदि मौजूद रहे। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवन का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम,
वैल्यू प्लस बिल्डिंग 132 केवी बिजली घर के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677। निर्वाचन अधिकारी ने पार्षदों को दिलाई पद की शपथ। बाड़ी नगरपालिका चुनाव 2020 में जीते हुए पार्षदों को बाड़ी निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में 45 वार्डों में से 21 वार्डों में महिलाओं ने पार्षद पद के चुनाव में जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा कायम रखा है। साथ ही इसमें 3 महिला पार्षद निर्विरोध भी चुनी गई हैं। इस बार नगरपालिका के चुनाव में महिलाएं आगे रही हैं और 20 दिसंबर को चेयरमैन पद के चुनाव में भी SC वर्ग की महिला चुनकर चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठेगी। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बाड़ी नगरपालिका के बोर्ड में इस बार महिलाओं का ही दबदबा रहता नजर आ रहा है। निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी मीणा ने मतगणना वाले दिन कुछ पार्षदों को शपथ दिलाई थी और बाकी बचे कुछ वार्ड पार्षदों में वार्ड नंबर 2 के दौलत खान, वार्ड नंबर 3 से अमजद जमा खान, 4 से नजीर खान, 5 से गुल अफसा और वार्ड नंबर 6 से आयशा बेगम, 7 से रोहित मंगल, 9 से योगेश मंगल उर्फ मोनू, 11 से हेमलता शर्मा, 16 से नईम कुरैशी, 42 से सुधामा और वार्ड नंबर 22 से अर्चना शर्मा को पार्षद पद की शपथ दिलाई और प्रमाण पत्र दिया गया। प्रयास करूंगी स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करें। वन मंडल धौलपुर श्रेष्ठ कार्य करने वालों को करेगा सम्मानित। अधिकारी हुए आमजन से मांगे आवेदन। वन मंडल धौलपुर द्वारा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, टाइगर ट्रैकिंग, वन महोत्सव, वन्य जीव रेस्क्यू, जंगल में आग लगने पर तत्परता तथा वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के अलावा जिले के आम नागरिकों से आवेदन मांगे हैं। चयनित आवेदक को जिला मंडल अधिकारी धौलपुर द्वारा 1000 रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर दस्तावेज वन मंडल कार्यालय धौलपुर में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जमा कराना होगा। जिला वन मंडल अधिकारी ने बताया कि पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र वितरित जैसी गतिविधियों से स्टाफ वन एवं वन्यजीव प्रेमियों में विभाग के प्रति कार्य करने का दायित्व एवं समर्पण बढ़ता है। साथ ही वह उच्च मनोबल के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। गर्ल्स स्कूल में 65 शिक्षिकाएं सीख रही आत्मरक्षा के गुर। शिक्षा विभाग धौलपुर द्वारा पूरे जिले में शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे विशेष आत्मरक्षा शिविर में शिक्षिकाएं आत्मरक्षा की गुर सीख रही हैं। वहीं धौलपुर शहर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर प्रशिक्षक सुनीता शर्मा ने बताया कि शिविर में 65 शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। शिविर में उन्हें बिना हथियार के किस प्रकार अपनी सुरक्षा की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा की जानकारी प्रत्येक महिला को होनी चाहिए। जिला कलेक्टर द्वारा जिले में विशेष शिविर के माध्यम से शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा जुड़े कराटे के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कर सकें। शिविर में प्रशिक्षक सुनीता शर्मा, तृप्ता राणा, आशा शर्मा और सुनील कुमारी शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। 17 तारीख से 24 तारीख तक ये कैंप चलाया जा रहा है, इसमें 65 संभागीय भाग ले रहे हैं और ये इसमें हम सेल्फ डिफेंस के सारे गुर सिखाएंगे, पंच, स्टांस और ब्लॉक, किक्स, और जैसे कोई अटैक करता है हमें आगे से तो उसे किस तरह से हम डिफेंस करें अपनी और किस तरह से उसको मारें, और गद्दे वगैरह के सारे हम उसको डिफेंस सिखाएंगे। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर नवोदय स्कूल के पूर्व छात्रों ने जरूरतमंदों को बांटे गर्म कपड़े। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्रों द्वारा आपसी सहयोग से बढ़ाए हाथ ताकि सर्द न कटे रात अभियान के तहत धौलपुर एवं आसपास रहने वाले नवोदय स्कूल के पूर्व छात्र एवं शिक्षकों ने ऊनी वस्त्र, शॉल, स्वेटर, जैकेट, कम्बल, पेंट शर्ट, साड़ी आदि एकत्रित किए।
इसके बाद डॉक्टर सुमित मित्तल मनोरोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मचकुंड रोड पर ठंड से परेशान गरीब और असहाय लोगों को वितरित किए गए। इस अवसर पर महेंद्र शर्मा, नरेंद्र राजावत, भगवान दास राजपूत, काशीराम परमार, सतप्रकाश मीणा, विनय मोहन, सुमित शर्मा, मोहित बाबू, हेम सिंह कुशवाहा, विजय सिंह, रामू दुबे, पौरुष बघेल आदि पूर्व छात्र उपस्थित रहे। चंबल मुक्ति धाम में पुलिस और नगर परिषद ने किया अज्ञात शव का अंतिम संस्कार। धौलपुर शहर के न्यालगढ़ थाना इलाके के गुलाबबाग चौराहे के पास गत 15 दिसंबर को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसे शिनाख्त के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, जिस पर आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर नगर परिषद धौलपुर के सहयोग से चंबल मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया। निहालगढ़ थाने के एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर नगर परिषद के सहयोग से चंबल मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसकी आज दिनांक तक कोई पहचान नहीं हुई एवं उक्त लाश की धर्म बाबत मतीन गौरी जो धौलपुर शहर का आजी है उनसे पहचान कराई गई, तो जिसको हिंदू बताया है, अतः पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और तफ्तीश जारी रहेगी। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश बिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडी मिक्स, F325 रीको इंड स्टीज एरिया धौलपुर, प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल, मोबाइल नंबर 9549891824। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर, अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है, एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।